हेलो फ्रेंड्स, सोलर चर्चा विद कृष्णा में आपका स्वागत है। मैं कृष्णा श्रीवास्तव। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि अगर आप 3D डिजाइन बनवाते हैं किसी से या खुद भी बनाते हैं, तो साइट विजिट करते समय हमें कौन कौन सा डेटा लेना बहुत जरूरी है जो हमें 3D डिजाइनिंग में आवश्यकता होगी, जिसकी या जिसकी नीड है। बहुत सारी छोटी छोटी चीजें हैं जब हम साइट विजिट पे जाते हैं तो भूल जाते हैं। फिर अगर हम किसी से 3D डिजाइन बनवा रहे हैं तो उसे वो डेटा की जरूरत होती है। या आप खुद भी जब 3D डिजाइन बनाएंगे किसी साइट की, तो आपको वो डेटा बहुत जरूरी होगा। ठीक है, तो अगर वो डेटा आपके पास नहीं है, आपने पहले साइट विजिट में नहीं लिया, तो फिर क्या होगा? या तो आप अंदाज से बनाएंगे या फिर से आपको साइट पे जाना पड़ेगा। तो इससे अच्छा है कि हम एक ही बार में जब विजिट करते हैं, जो भी डेटा हमें आने डिजाइन के लिए जरूरी है, या वो सिस्टम डिजाइन हो या 3D डिजाइन हो या स्ट्रक्चर डिजाइन हो, हम एक ही विजिट में एक बार में पूरा डेटा कलेक्ट कर लें। तो यही हम आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, और जो भी वीडियो आपको लगती है कि जरूरी है, हाँ और भी लोगों को ये मिलना चाहिए जिससे उनको सोलर में काम करने में आसानी जाए, तो जितने भी वीडियो आपको पसंद आते हैं आप उन्हें आपके सोशल प्लेटफॉर्म पे जरूर शेयर किया करिए। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले जो सबसे मेन चीज है, जब हम 3D डिजाइन बनाए या सिस्टम की डिजाइन करें, विजिट करते समय हमेशा साइट प्लान बनाने की आदत डालिए। साइट प्लान क्यों जरूरी है? प्लान मतलब एक 2D डिजाइन जिसमें साइट का पूरा जो भी उधर पास अवेलेबल स्पेस हो, उस साइट पे जो भी ऑब्जेक्ट अवेलेबल है, वाटर टैंक हो सकता है, टावर हो सकता है, लिफ्ट का टावर हो सकता है, कभी झूला लगा हो सकता है या और भी सामान रखा हो सकता है, टीन शेड बना हो सकता है, पिलर हो सकते हैं, कॉलम हो सकते हैं या शेडो ऑब्जेक्ट हो सकता है। ठीक है, तो साइट प्लान जब हम बनाते हैं, ड्राइंग बनाते हैं, जरूरी नहीं है आप स्केल का उपयोग करें, आप ऐसे हाथ से भी एक रफली डिजाइन बना सकते हैं। कहने का मतलब यह है कि जो हम प्लान बनाएंगे, ड्राइंग बनाएंगे, उसमें वहां के सारे डायमेंशन, सारे ऑब्जेक्ट के डायमेंशन मेंशन होना चाहिए। अगर आप किसी से 3D डिजाइन बनवा रहे हैं तो वो क्या करेगा, जो ये आपने कागज पे डायमेंशन लिखे हैं, इसे वो सॉफ्टवेयर में डाल के सेम इसी नाप का 3D बना देगा। अब जब हम डायमेंशन लिख रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि आप डायमेंशन लिखने के बाद, अब अगर मान लीजिए इसमें साउथ डायरेक्शन का मार्क नहीं होगा तो मुझे कैसे पता चलेगा कि इसमें साउथ किस तरफ लेना है? 6 मीटर जहां लिखा है लेफ्ट हैंड साइड पे उधर है साउथ, या सबसे ऊपर 7 मीटर जहां है वो है साउथ, या नीचे 10.7 मीटर है वो है साउथ। तो साउथ डायरेक्शन का मार्क जरूर करिए कि साउथ ऊपर साइड है या नीचे तरफ है। तो डायमेंशन हो गए उस प्लान में, आपका साउथ मार्क हो गया। फिर आता है ऑब्जेक्ट ऑन साइट। हम जहां सोलर लगा रहे हैं, चाहे ग्राउंड पे हो, चाहे टीन सेट पे हो या आपका RCC पे हो, जो भी ऑब्जेक्ट हमारे रूफ पे अवेलेबल है या जिनके होने से हमारे स्ट्रक्चर में कोई फर्क आ सकता है, या कल के दिन हमारे जो हमने प्लांट लगाया है उस पे शेडो आ सकती है, तो उन्हें भी प्लान में मेंशन करना जरूरी है। जैसे लिफ्ट का टावर है, डक्ट है, ठीक है, वाटर टैंक जिस पे रखा है वो टावर हो, कभी कभी गजीबो मिलता है कुछ रूफ पे, है ना। ऑब्जेक्ट हो गए, ऑब्जेक्ट में आप जब बना रहे हैं तो याद रखिएगा ऑब्जेक्ट की पोजीशन। जैसे आप इस ड्राइंग में देखोगे तो जहां 7 मीटर लिखा है, उसके बाजू में जो PP लिखा है वो पैरापेट वॉल है ना, जो बाउंड्री वॉल होती है, उसकी हाइट हमने 1 मीटर लिख दी, उसके पास 4 मीटर लिखा है। इसका मतलब है जो ये टावर है जिस पर टैंक रखा है, वो सामने साउथ की वॉल से 4 मीटर दूरी पे है, और इसकी लंबाई चौड़ाई कितनी है, तो ईस्ट से वेस्ट ये 3 मीटर है और साउथ से नॉर्थ 2.7 मीटर है। अब जब मैं इसे ड्राइंग में बनाऊंगा तो इजीली बना सकता हूँ। तो ये हो गया हमारा साइट का प्लान, जिसमें हमें डायमेंशन लिखना है सारे, साउथ डायरेक्शन का मार्क करना है, ऑब्जेक्ट देखना है कि हम हो सकता है साउथ में कोई बिल्डिंग होती या कोई ट्री होता, ठीक है, पेड़ होता,
तो मैं क्या करता, उसको भी इस ड्राइंग में मेंशन करता कि मेरी बिल्डिंग से साउथ में 2 मीटर या 5 मीटर या 10 मीटर जितनी भी डिस्टेंस होती उस ऑब्जेक्ट की, उसे मैं मेंशन करता कि 7 मीटर दूर एक पेड़ है जिसकी हाइट मेरे रूफ से लगभग 10 मीटर है। तो ये भी मेरी ड्राइंग में मेंशन होता। जब मैं इसकी 3D डिजाइन बनाता तो उसमें मैं इसे बना सकता था, है ना। शेडो एनालिसिस करने में इजी हो जाता है वो। तो ये मेरा साइट प्लान हो गया, ये बनाने की आदत जरूर डालिए। और भी कोई चीज है आप इसमें मेंशन कर सकते हैं, जैसे इन्वर्टर की डिस्टेंस कितनी दूर लगेगा साइट से, अर्थिंग की डिस्टेंस। साइट प्लान हो जाने बाद फिर हमारा आता है स्ट्रक्चर डिटेल्स। स्ट्रक्चर डिटेल्स का मतलब है कि अब इस साइट पे, इस रूफ पे या इस टीन सेट पे या ग्राउंड पे जो मैं डिजाइन बना रहा हूँ स्ट्रक्चर की, उसके डायमेंशन, क्योंकि उसमें मॉड्यूल यूज करूंगा मैं स्ट्रक्चर में, तो स्ट्रक्चर का टोटल डायमेंशन बनाने मुझे मॉड्यूल के डायमेंशन लगेंगे। क्यों लगेंगे? क्योंकि कोई मॉड्यूल छोटा हो सकता है, कोई बड़ा हो सकता है। तो मॉड्यूल्स के डायमेंशन ये आपको डेटा शीट से मिल जाएंगे मॉड्यूल के, या आप मॉड्यूल का मेक और मॉड्यूल का वॉटेज बता देंगे तो भी नेट पे इजिली जो भी 3D डिजाइनर है वो उसे डाउनलोड करके डायमेंशन निकाल सकता है। फिर मॉड्यूल टेबल ऑप्शन, मतलब आपने जो प्लान किया है रूफ पे जाके वो आप सजेस्ट कर सकते हो कि सर हम 5x2 लगाना चाहते हैं, 3x3 का लगा रहे हैं, या थोड़ा सा स्ट्रक्चर आगे साउथ में है, थोड़ा स्ट्रक्चर पीछे नॉर्थ में है। तो जो भी आपने प्लानिंग की है वो सैंपल भी आप इसमें मेंशन कर सकते हो। चाहे तो आप एक इसी की कॉपी एक बना के पेज में उसमें हाथ से मार्क करके दे सकते हैं कि सर हम ऐसा प्लानिंग कर रहे हैं या कस्टमर ऐसा चाहते हैं। तो इससे भी डिजाइन बनाना आसान हो जाता है। फ्रंट लेग हाइट, अब आपसे कस्टमर की क्या बात हुई है ये आपको पता है, आपने जिस डिजाइनर को हायर किया है उसे नहीं पता, या आप भी जब डिजाइन बनाने वाले हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि फ्रंट लेग हाइट मुझे कितनी देना है। फ्रंट लेग हाइट हमें पता होना चाहिए तभी हम पीछे की हाइट जो है बैक लास्ट की हाइट वो कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना। तो ये हो गया फ्रंट लेग हाइट। फिर आता है टिल्ट एंगल, क्योंकि टिल्ट एंगल भी हमारा लास्ट जब हम हाइट निकाल रहे हैं या बड़ा टीन सेट है तो उसमें जो कैंची बनती है, ट्रस बनता है, उसमें हमें टिल्ट एंगल भी पता होना चाहिए। तब हम उसमें कितना लोहा लगेगा, बैक की हाइट कितनी रहेगी, कितनी ब्रेसिंग देना पड़ेगी, कैंची बनाना है कि नहीं बनाना है, ये सारी चीजें हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जब भी आप कभी 3D डिजाइन का ऑर्डर देते हैं या खुद भी बनाते हैं तो ये वो डेटा है जो आपको जरूरी है एक प्रॉपर डिजाइन बनाने के लिए। लास्ट में हमारा थर्ड पॉइंट आता है ऑप्शनल डेटा। ऑप्शनल डेटा का मतलब है साइट लोकेशन, साइट फोटोज और वीडियो। तो साइट लोकेशन देखिए, अगर आप सिर्फ डिजाइन बना रहे हैं और आपके पास प्रॉपर ये प्लान है, डायमेंशन है जिसमें, फिर आपको साइट लोकेशन की जरूरत नहीं होगी। लेकिन अगर आप शेडो एनालिसिस करना है आपको, या आपके पास डायमेंशन नहीं है और गूगल पे अवेलेबल है प्रॉपर वो जगह और आप वहां से डायमेंशन निकालेंगे, तब आपको साइड लोकेशन की जरूरत है ना। डायमेंशन निकालने और शेडो एनालिसिस करने, ये दो चीजों के लिए हमें लोकेशन की जरूरत होती है। साइट फोटोज और वीडियो क्यों जरूरी है? क्योंकि ये जो प्लान बना है इसमें ये चीज नहीं दिख रही है कि जो मेरा छत है, जो मेरी साइड है वो कैसी दिखती है। जैसे टीन सेट होती, ठीक है, तो टीन सेट लाल कलर का है या नीले कलर का है, मेरी बिल्डिंग किस कलर की है ना, एक रफली आइडिया लेने के लिए कि आपकी साइड कैसी दिखती है, उसके लिए हमें साइड की फोटोज और वीडियो की जरूरत होती है। और वैसे भी आप एक आदत बना लीजिए कि जब भी आप साइट विजिट पे जाते हैं ना तो एक वीडियो जरूर बना लीजिए साइट का, ये हम कस्टमर का नाम ले दीजिए उसमें, हम ये कृष्णा श्रीवास्तव जी की साइट पे आए हैं, 5 किलोवाट का सिस्टम प्लान कर रहे हैं, ये सामने हमारा साउथ है, ईस्ट से वेस्ट इतना मीटर है जगह, साउथ से नॉर्थ इतनी जगह है, ये लिफ्ट का टावर है, ये नॉर्मल घर का टावर है। अगर आप टावर पे प्लान कर रहे हैं तो वो भी आप बोल सकते हो कि हम इस टावर पे प्लानिंग कर रहे हैं, सामने से लेग उठा के लेंगे, है ना। तो मतलब उस वीडियो में आपको वहां की पूरा डेटा मिल जाएगा। 1 साल बाद, 1.5 साल बाद भी अगर आप वो वीडियो उठा के देख लेंगे तो साइट विजिट जैसा ही आपको पूरा पूरा डेटा फिर से मिल जाएगा। कई बार ऐसा होता है सोलर के ऑर्डर तुरंत फाइनल नहीं होते, ठीक
ठीक है, तो इसलिए साइट की वीडियो बनाने की आदत जरूर डालिए। हो सकता है प्लान आपका ये गुम जाए, डायरी आपकी गायब हो जाए, गुम जाए, खराब हो जाए, तो वीडियो देख के आप फिर से प्लान बना सकते हो, है ना। तो ये वो डेटा है जो आपको 3D डिजाइन में जरूरत आवश्यक होगा, जरूरत पड़ेगी, जिसकी आपको आप खुद भी बनाए या किसी और को भी ऑर्डर दें तो आपको ये डेटा देना पड़ेगा। आप जितना प्रॉपर डेटा देंगे उतनी प्रॉपर एक्चुअल डिजाइन बनाई जा सकती है। ठीक, तो उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। हम फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, एक नए डिस्कशन के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।